कौन हजूर का कुर्ब चाहता है? मैं अपना भी हाथ खड़ा करता हूँ। कौन कौन हजूर का कुर्ब चाहता है? माशाल्लाह इतने लोग हैं और किसी का भी हाथ नीचे नहीं है। तो हजूर ने पता क्या फरमाया, वजीफा बता दूँ हजूर का कुर्ब हासिल करने का, बताना भी चाहिए। तो हजूर फरमाते हैं कयामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा, यानी कि उसको मेरा कुर्ब नसीब हो जाएगा जो तुम में हुस्न अखलाक में बेहतर होगा। तो अब उसने हजूर का कुर्ब लेना है तो इसको बेहतर करें, इसका मफहूम मुखालफ भी खुद से ही समझ लें, सारे समझदार हैं। अगर हुस्न अखलाक बेहतर होने से हजूर का कुर्ब मिलने वाला है तो बद अखलाक होने से हजूर से दूरी भी हो जाएगी। हजूर ने फरमाया मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वही होगा जिसका हुस्न अखलाक बेहतर होगा। फिर एक जगह तो यह भी फरमाया मा मिन शैइन अस्कलु फिल मीज़ान मिन हुस्न अल-खुलुक। हजूर ने फरमाया कि मीज़ान के ऊपर जो सबसे भारी अमल होगा ना किसी का, सबसे भारी जो अमल होगा वो तुम्हारा हुस्न अखलाक होगा, वो तुम्हारी दोज़ख को हराम फरमा देगा। किसके ऊपर? फरमाया जो नरम गुफ्तगू करने वाला होगा, यानी कि जिसकी गुफ्तगू में नरमी होगी। यार ये काहे की सख्ती है, कोई आपसे बात कर ले तो आप उसको ऐसे कि उससे कलाम करते हैं कि पता नहीं वो आपका मुजरिम है, इतने इतने सख्त लहजों में बात करते हैं। आप ये बात याद रखें, अगर आपको गुस्सा आता है ना कि कोई बंदा ऊंची आवाज़ से आपसे बात करे, तो जिससे आप कर रहे होते हैं उसको भी गुस्सा आता है, वो भी तो इंसान है। तो कभी किसी से ऊंची आवाज़ से और कभी किसी से तुरछ लहजे से बात ना करें। हजूर ने फरमाया नर्म खु इंसान होगा ना, प्यार से बात करने वाला, पोलाइट लहजे में, तो अल्लाह उसको ही जन्नत देगा। और फिर हजूर ने दूसरा कौन सा बंदा फरमाया? फरमाया दूसरा वो बंदा जो अखलाक में अच्छा होगा, यानी कि जिसके अखलाक बड़े अच्छे होंगे, जो बद अखलाक नहीं होगा, जो बद खुलकी नहीं करता होगा, जो अपने अखलाक के साथ ज़बान के साथ लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता होगा। फरमाया अल्लाह ताला उसको भी जन्नत देगा। और फिर तीसरा हजूर ने फरमाया जो बंदा उन लोगों के करीब होगा, यानी कि इससे मुराद क्या है? नेक लोग, नेक लोगों की मजालिस और नेक लोगों के जो बंदा करीब रहेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको भी जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में भेज देगा। तो इसलिए और हुजूर के पास